हम लोग रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन में, जो कि पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है, इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में सवाल लगभग हम लोग 2 का ए नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम कंप्लीट है, डारबॉक्स थ्योरम कंप्लीट है, एंड ये थ्योरम भी हम लोग का कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन वाला ये भी कंप्लीट है, एंड सफिशिएंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एंड ए से बी के इंटीग्रेशन को अलग अलग टर्म में जोड़ने पर जो इंटीग्रेशन वैल्यू आता था सम के बराबर, ये सब भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हुए हैं। एंड ये वाला कि अगर एफ मेरा रीमान इंटीग्रेबल है तो जो एफ का मोड होगा ना वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट, अगर एफ एक्स बाउंडेड और मोनोटोनिक है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। मतलब करीबन करीब क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक से कुछ अलग हटके उसको भी तैयारी करेंगे, एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हुआ 2 का ए नंबर का। ठीक है, अब 2 के बी नंबर में थोड़ा आप ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, अब 2 के बी नंबर में आपका सवाल होगा। अब सवाल को किस तरह कैसे कंप्लीट करना है उसको ध्यान देना है। इसके लिए मैं पहले कुछ आपको 2 से 3 थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इस रीमान चैप्टर से जो जो सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो फिर हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उस पर नज़र डाल लो। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये कहाँ पर है मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, मीन वैल्यू थ्योरम में पहला है आपका फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे तो इसका प्रूफ बस इतना सा ही है, लेकिन हम लोग अगर एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से लिखना है उस अंदाज में हम लोग इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को। एंड उसके बाद हम लोग जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक, चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, इसके स्टेटमेंट में हम लोग को दिया हुआ क्या होगा एंड हमको प्रूफ क्या करना होगा, इसको एक नज़र देख लो। हम लोग को दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल है और इसी फंक्शन में, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान दो, जैसे ये फंक्शन एफ है, ए बी में कोई फंक्शन एफ जो है रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब इस फंक्शन में, अब समझना है ध्यान से, कोई मेरा सुप्रीमम होगा और एक मेरा इन्फिमम होगा। सुप्रीमम मतलब इस पूरे फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू, उसी को हम लोग सुप्रीमम कहते हैं, एंड इस पूरे फंक्शन का सबसे इन्फिमम वैल्यू इसको हम लोग इन्फिमम कहे। और साथ ही साथ अगर फंक्शन पर कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट के बारे में बात करोगे ना, वो आपका कैपिटल एम से छोटा एंड स्मॉल एम से बड़ा, डैट इज इस दोनों वैल्यू के बीच में सारा वैल्यू होगा। देख लो, यहाँ पर हम पॉइंट लिए तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में है। उसी तरह हम लोग कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग लेमडा लेते हैं, लेमडा कोई भी पॉइंट हो सकता है इस पूरे फंक्शन में। ठीक है, ये मेरा लेमडा कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में है, तो लेमडा कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, तो ओपन इंटरवल डालना है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है, हमको दिया हुआ है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट में कि एफ मेरा रीमान इंटीग्रेबल है एंड इसी एफ में कोई लैम्डा होगा जो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है, फंक्शनल वैल्यू है, कहीं पर हो सकता है फंक्शन पर। तब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इस एफ का अगर हम रीमान इंटीग्रेबल, अभी तो हम क्या देखें कि एफ मेरा रीमान इंटीग्रेबल है, मतलब उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा इसके बारे में जानना है। मतलब इस एफ का अगर सही में वाकई हम लोग ए से बी इंटरवल में अगर इसका इंटीग्रेशन निकाले, तो इंटीग्रेशन वही आएगा, क्या आएगा, इसके पूरे लेंथ में, बी माइनस ए लेंथ में, उस पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना, किस पॉइंट से, लैम्डा पॉइंट से, तो वो उसके इक्वल होगा। यही थ्योरम हमको प्रूफ करना है। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमको क्या क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, हमको दिया हुआ है एफ कोई मेरा बाउंडेड फंक्शन ए बी में है, तो लिखो लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन, इस प्रकार बाउंडेड फंक्शन है कि एफ जो है रीमान इंटीग्रेबल है, सच डेट एफ मेरा रीमान इंटीग्रेबल है ए से बी में। तब जा करके कोई एक नंबर हम ऐसा लाई करेगा इस ए बी में, देन ए नंबर
लैम्डा एक नंबर ऐसा लाई करेगा लाइंग बिटवीन किसके किसके बीच में, द बाउंड्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, इस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में कोई लैम्डा ऐसा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द बाउंड्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ये स्मॉल एम और कैपिटल एम इसी एफ फंक्शन का है, ऑफ एफ। इस प्रकार होगा, हमको प्रूफ क्या करना है, सच डैट आई मीन इसका जब इस फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ना, ए से बी में फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वैल्यू बराबर होगा किसके बराबर, जब हम लोग इस बी माइनस ए में आई मीन ये जो लेंथ है ना उस लेंथ में अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसा फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम में कहा गया है। ठीक, बातें तो बहुत अच्छी है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पिछले थ्योरम का सहारा लेंगे। कौन सा थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या आपने पढ़ा हुआ है, जब हम लोग b माइनस ए में स्मॉल m से मल्टीप्लाई किए थे वहाँ पर एंड b माइनस ए में कैपिटल m से मल्टीप्लाई किए तो उस दोनों में क्या डिफरेंस था, याद पारो? ऐसा मैंने बताया है, रुको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ, मेरा चिरकुट हाँ मिल गया। देखो मैं यहाँ तीन ग्राफ बना रहा हूँ, आपको ध्यान से ग्राफ को देखना है। देखो ये ग्राफ है स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए इसका लेंथ हुआ, स्मॉल m ये हुआ इसका सबसे इन्फिमम वैल्यू, जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये एरिया आया, एंड कैपिटल m ये हुआ एंड जब लेंथ और सुप्रीमम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आएगा, इससे ये एरिया पूरा कंप्लीट हुआ। बताओ इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, ये एरिया ग्रेटर है, ठीक है ग्रेटर हो गया, एंड सबसे छोटा ये एरिया है। अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन की बात करें कि एफ एक्स का पूरा इंटीग्रेशन, मतलब एफ एक्स का पूरा ये पूरे एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये एरिया इस दोनों एरिया के बीच में है, ठीक मे बी ये दोनों इक्वल भी हो सकता है, दैट्स क्लियर। ये आपका कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, ये आपका इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इस ड्रो से आपको पता चल रहा होगा ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। एंड देखो आप यहाँ समझना है, आपको क्या समझना है, समझो जैसे ये यहाँ पर कोई वैल्यू है, ये वैल्यू छोटा हो रहा है जब हम लोग बी माइनस ए में एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बड़ा हो रहा है इस बी माइनस ए में स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इस स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में ऐसा कोई नंबर डेल्टा होगा जिसका मल्टीप्लाई अगर बी माइनस ए के साथ करेंगे ना तो वो इस फंक्शन के बराबर होगा। समझना एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, आप फिर से समझना, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू था जब हम लोग b माइनस ए में कैपिटल m से मल्टीप्लाई किए, और ग्रेटर देन इक्वल टू था जब हम लोग b माइनस ए में स्मॉल m से मल्टीप्लाई किए। तो ये वैल्यू जरूर ऐसा कोई वैल्यू होगा जब हम लोग b माइनस ए में कोई एक ऐसा नंबर डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके इक्वल हो जाएगा। वही चीज़ तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखने का सिर्फ हम लोग तरीका चेंज कर लेते हैं। कौन सा तरीका, हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसी का सहारा लेते हुए ऐसा हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा। इस प्रकार है कि हम लोग देखें कि लैम्डा जो है आपका स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में है, तो वही चीज़ लिखेंगे, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई नंबर था इस प्रकार है। अब इसमें जो है हम लोग बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम इंटू बी माइनस ए एंड कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, जब इस दोनों का आप कंपेरिजन करोगे ना तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये और ये इक्वल है, डैट्स क्लियर। देयर फोर आई मीन हैंस ए बी में एफ एक्स का इंटीग्रेशन बराबर हो गया लैम्डा इंटू बी माइनस ए, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमको प्रूफ करना है वो देख लो, नेक्स्ट हम लोग जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ एक फंक्शन था, लेकिन जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में हमको दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देख रहे हो ना तो स्टार्टिंग से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।